प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनको सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने विशाल रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जमशेदपुर में 4 जून को क्या परिणाम आने वाला है, यह आपका उत्साह बता रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होनी चाहिए, चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस वालों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। इन्हें विकास का क ख ग घ भी नहीं मालूम है। इनका तरीका है कि सिर्फ जनता से झूठ बोलने का। इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चुनाव में उद्योगों लघु उद्योगों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। साथियों, चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चुनाव में कृषि और वन उपज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चुनाव में युवाओं के लिए बनते नए अवसरों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, चुनाव में हाईवे एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले जामुमा वालों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें विकास का क ख ग ग भी मालूम नहीं है और इनका तरीका क्या है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है, गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे, क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं, इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है।